हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे बड़ी वैकेंसी जो है 5746 पद वाली BSSB की, ठीक है। उसके बारे में हम जितने भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर करेंगे। जैसे कि ये जो है कौन रहेगी, यहाँ परमानेंट, ठीक है। अगर परमानेंट रहेगी तो इसका जो है एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, और किस तरह से, बाकी सारी डिटेल्स। सैलरी तो आपको पता ही है, जो है 44,900 है, और मतलब कि 70,000 के आसपास दिल्ली के अंदर मिलती है इन हैंड सैलरी। 70 से थोड़ा 65 से 70 के बीच में मान के आप चल सकते हैं। तो एग्जैक्टली तो कुछ फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। तो उसकी सैलरी और सारी चीज़ों के बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं दोस्तों वो क्लियर करूँगा मैं। और आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो भी RNR के बारे में बात करेंगे। और उसके आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यू कैन सी हियर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अमेंडमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। फाइंड द काइंडली इनक्लोज सर्कुलर विद अमेंडमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर अपलोडिंग द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर जो चेंजेस हैं वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। उससे पहले 30 डेज तो एक मैक्सिमम वो है, ठीक है। जो भी चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। वापस नीचे भी एक दूसरा सर्कुलर यही है, अमेंडमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, सजेशंस इफ एनी फॉर्म ऑल इज कंसिडर द अंडरसाइंड ऑफ द इनक्लोज, जो भी इन्होंने नीचे इनक्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पर 30 डेज का वो दिया हुआ है। डायरेक्टेड इनक्लोज टू कॉपी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर दैट आर टू बी अमेंडेड एज पर एज रिलेवेंट गाइडलाइंस OIM फॉर अंडर दिल्ली गवर्नमेंट CTD। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द ड्राफ्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में बी एग्जामिन्ड एंड सजेशंस इफ एनी मे बी सेंड टू द डिपार्टमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द इश्यू ऑफ सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सजेशन से वो आपको भेजे जा सकते हैं। और रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर GNCTD, रिवाइज एंड प्रोविजन प्रपोज बाय रूल्स एंड रेगुलेशन रिव्यू। नर्सिंग ऑफिसर 5746 पोस्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है। और इसमें जो दोस्तों है टाइम लग सकता है, 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। मतलब 2021 के अंदर जो है ये चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम होने के, ठीक है। और भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उससे हमें पता चलेगा इसे। और दोस्तों परमानेंट है वैकेंसी, ठीक है। परमानेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल का वो स्पेसिफिकेशन दे नहीं रखा है, प्रोबेशन दे रखा है यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन। तो प्रोबेशन जो है 2 साल का प्रोबेशन, मतलब प्रोबेशन किसके लिए होता है, परमानेंट वैकेंसी के लिए होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए तो कोई प्रोबेशन नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखें कि जो वैकेंसी है वो परमानेंट होने वाली है। और ग्रुप बी नॉन गेजेटेड, देन लेवल ऑफ 7 CPC, सैलरी 44,900 से 1,42,400, बहुत ही अच्छी सैलरी होगी दोस्तों। 70,000 आपकी सैलरी होने वाली है, बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग या GNM के बाद आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेस्ट जॉब है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, उससे बेस्ट SNO हो सकता है, ठीक है। SNO नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो सकता है, ANS होता है, DNS होता है, लेकिन वो जो है वो एक बार नर्सिंग ऑफिसर आप बनेंगे तभी उसके बाद का बात की बात है वो। पहले तो डायरेक्टली आप ANS DNS नहीं बन सकते, पहले आपको नर्सिंग ऑफिसर से शुरुआत करनी होगी। तो नर्सिंग में इससे बेस्ट कोई जॉब नहीं है दोस्तों, नर्सिंग BSc नर्सिंग करने के बाद या GNM करने के बाद। तो एज की बात करें दोस्तों, यहाँ 30 साल एज रहेगी। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 5 साल का जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए रिलैक्सेशन रहेगा। द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज लिमिट शैल बी ऑन द क्लोजिंग रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स इन इंडिया, ठीक है। जब एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है डेट इनकी गिनी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो है BSc नर्सिंग होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ BSc नर्सिंग भी चल जाएगा, पोस्ट बेसिक भी चल जाएगा और GNM भी चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वन ईयर एक्सपीरियंस
मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल अक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी वन अबव। ठीक है, तो यहाँ पे बी वन मैं वापस चलता हूँ। डिप्लोमा इन जीएनएम, जिसके पास जीएनएम है दोस्तों, उससे 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं दोस्तों। ग्रुप बी में आती है अपने जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए। मैक्सिमम एज जो है शेल लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट बाय द रिप्यूटेशन शेल नॉट बी एक्सीडिंग 56 ईयर एज पर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो इस तरह से डिटेल्स थी दोस्तों यहाँ पर, और इसके जो पीडीएफ जो है अलग से आपको जो है सिलेबस से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है दोस्तों। तो डीएसएसपी का एग्जाम किस तरह से होता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए, आप सभी के लिए, कि 5,746 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत अच्छी पोस्ट है। इतनी तो एम्स के नॉर्सेट में भी नहीं आई है अब तक। ठीक है, पिछले साल 5,000 आई थी, लेकिन 5,700 तो नहीं थी। ठीक है, उसमें 80-20 भी था इसमें दोस्तों। खुशी की बात ये भी रही है इसमें 80-20 नहीं रहने वाला है, क्योंकि डीएसएसपी जो है दिल्ली बोर्ड का है। ठीक है, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। 80-20 जो सिर्फ एम्स में लागू किया है, अभी ईएसआईसी वगैरह ने भी 80-20 के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किए हैं। तो आशा यही करते हैं कि 80-20 जो है सिर्फ एम्स से भी हट जाए तो अच्छा है, लेकिन अभी एम्स में दूसरी जगह संक्रमण फैले नहीं दूसरी जगह। ठीक है, वहाँ पर भी हम उसको रोक दे तो अच्छा है, 80-20 तो हटना ही चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसके लिए आप प्रिपरेशन करना जो है शुरू कर दीजिए, तैयारी कीजिए, आप नोट सेट के लिए तैयारी कीजिए, डीएसएसपी के लिए तैयारी कीजिए, और भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है टाइम टू टाइम लेकर के आता रहूँगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, वीडियो आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करने में कुछ टाइम नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में कोई टाइम नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल करें। और इतना ही वीडियो इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लविंग, थैंक्स, कीप लविंग, हैव अ ग्रेट डे।